दर्शकों अज असी आए हैं वार्ड नंबर 15 फगवाड़ा। साड़ी टीम ने गुरजीत पाल वालिया जी नाल गलबात की, जिहड़े पिछले लंबे समय तो कांग्रेस विच सेवावां दे रहे ने, चाहे वह ब्लाक प्रधानगी की गल होवे, एक समाज सेवी इंसान जो हर समय सेवा लई तैयार रहिंदे ने। साड़ी टीम ने वार्ड नंबर 15 दे संभावित उम्मीदवार मैडम परमजीत जी नाल गलबात की, जिन्हां ने दस्सिया कि वह समाज सेवावां लई हर टाइम तैयार रहिंदे ने। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असी आए हैं गुरजीत पाल वालिया जी दे कोल, जिहड़े कि पिछले लंबे समय तो सेवावां दे रहे ने कांग्रेस दे विच, चाहे वह ब्लाक प्रधानगी की गल हो, चाहे कांग्रेस की सेवा करने की गल हो, एक समाज सेवी इंसान जिहड़े प्रधानगी तो बिना भी बहुत वधिया समाज सेवा जिहड़ी पहलां कर रहे सीगे। वालिया जी तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। रिची गर्ग जी बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है। तुसीं साडे वार्ड नंबर 15 दे विच साडे ऑफिस विच आए हैं। असीं पंजाब प्लस का तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ भी जिहड़े उन्होंने साडी अपनी पूरी टीम नूं इह सर्वे विच लिआंदा, ते असीं बहुत खुशकिस्मत हाँ भी तुसी वार्ड नंबर 15 दे विच आ के सानू मान बख्शा। गुरजीत जी तुसी हुण तां चलो सेवा जिहड़ी हैगी तुहाडी बहुत वड्डी सेवा हुण जा रही है कि मैडम परमजीत जी जिहड़े हैगे आ पहले ही लोगों के हरमन प्यारे आ इस एरिए दे, और तुसी तां हमेशा ही लोगों के लिए तत्पर रहिंदे सीगे। किसी का कोई काम हुंदा सीगा उहनू हमेशा मतलब पहल दे आधार ते कराउंदे सीगे, चाहे घर दे काम रहे हन पर लेकिन लोगों के काम जिहड़े हमेशा पूरे कराउंदे सीगे। हुण जिहड़ी जिम्मेदारी पै रही है उस तो बाद थोड़ी जी होर लोगों नूं जिहड़ी हैगी आ अपने आप नूं इदां लगन लग जांदा वी साडे होर नेड़े आ गए आ, असीं इहनां तों होर काम करा सकदे आ, की जिहड़ियां तुहाडे सेवावां उम्मीद रहिणगियां? रिची जी एक गल मैं करदा, राजनीति जिहड़ी आ ओह उहदा परिभाषा है सेवा। असीं जदों राजनीतिक विच आउंदे आ तां सानूं साडा फर्ज़ बनदा भी लोग जिहड़ियां साडे वार्ड दे विच साडे ते इच्छावां रखदे आ असीं उहनां नूं पूरियां उतरीए, क्योंकि उन्होंने साढ़े को आना असी उन्होंने काम कराने, जोड़े साढ़े को काम नहीं हो सकते वो असी अपने जोड़े साढ़े हरमन प्यारे MLA आ सरदार बलविंद धारीवाल जी असी उन्होंने कही दा वा तो वो साढ़े मिनटा सकिंटा काम करवाते हैं और कोई भी मुश्किल नहीं आन दी जाती वार्ड के जिन्हें भी साढ़े नागरिक आ उन्होंने असी अपने परिवार, क्योंकि मेरा छोटा मेरा परिवार आ क्योंकि मैं इतने जमया पलिया तो इन्होंने हत्थों खेडिया वा तो मेरा फर्ज़ भी बनता वा मैं अपने परिवार के समस्यावान कोई समस्या आती उन्होंने पहल के आधार पर उन्होंने हल करा। वालिया जी आप अगर गल करिए पंजाब दे सारे पंजाब की गल करिए, कैप्टन साहब ने झड़ी लाती हैगी लोगों की सेवा करन दी, पर वो झड़ी लग के भी मतलब विचाले जिहड़ा मीडिया हैगा जिहड़ा विचाले लोगों के चीज़ां पहुँचनियाँ उन्हों का अभाव है, लेकिन फगवाड़े असी देखिया कि किसी तरह की भी कोई सेवा सरकार वालों आई आ तो वह लोगों तक पहुँचाने के विच एज ए वलंटीयर तुसी बहुत वड्डी सेवा निभा रहे हो, उहदे बारे की कहना चाहोगे उस टन्योर दे विच की काम हो? देखो साढ़े शेरे पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री उन्होंने सानू एक हीरा तराश के दिता सरदार बलविंदर सिंह धारीवाल जी MLA फगवाड़ा, क्योंकि लास्ट ईयर ही साढ़े इलैक्शन होए तो असी 26,000 वोट ना जितते हाँ और मैं आह वार्ड भी असी 678 वोटों ना जितया सीगा उन्हां दी बदौलत, क्योंकि लोगों वो पहला भी फगवाड़े में जो अफसर से IAS अफसर से SDM रहे और DTO रहे बड़ी सेवा की उन्होंने लोगों के लोग मतलब जानते सके भी तुसी देख लियो हुण भी कितें सर्वे करियो PV07 जिन्नियां नंबर गड्डियां हो गई सारिया धारीवाल साहब के आशीर्वाद नाल ही फगवाड़े में लगे नंबर, वो कभी किसी ना नहीं करते हुण भी नहीं ना करते जदों के वो MLA बने जो एक साल पहला तो उन्होंने विकास की नहरी लियाती। तुसी जिहड़ी सड़क तो आए हाँ बाईपास तो इधर नूं ये सड़क पहला उबड़ खाबड़ सी, जे तुसी 2-3-4 महीने पहला आते ना तो उबड़ खाबड़ लगनी सी, अज देखिया चकाचंद बिल्कुल मलाई मलाई बनी पई हरेक चीज़ उन्होंने एंड की आ। फिर जे उन्होंने विकास साढ़े मोदी सरकार ने जिहड़े नीले कार्ड हुण उन्होंने असी स्मार्ट कार्ड कैप्टन साहब ने पिछे अनाउंस किए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए थे वो बनाए, पर उन्होंने मोदी सरकार ने कहा 25,000 कार्ड ही ऑन रहेगा बाकी कार्ड साढ़े फगवाड़े के लोगों के 8,000 कार्ड घट मेरे बार दे भी काफ़ी घट हुए थे। असी MLA साहब ने बेनती की उन्होंने 8,000 कार्ड तुरंत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहा क्योंकि उसकी जरूरत सी, क्योंकि जो करोना आया करोना महामारी का प्रकोप जरा पूरे वर्ल्ड से आया, पर उन्होंने साढ़े MLA साहब ने पहले दिन तो पहला परोपकार जो काम से उन्होंने उन्होंने लंगर शुरू कराया भी जिहड़ियां आपां लोग जिहड़े मिडल क्लास आ जां लोअर क्लास आ जां हाई क्लास आ ये हाले अपना भोजन कर सकते हैं, पर जिहड़े स्लम मार्केट च रहिंदे आ झुग्गियां झोंपड़ियां च रहिंदे आ उन्हां नूं राशन देना जरूरी आ रोटी पानी देना जरूरी है, क्योंकि उन्हां दी दिहाड़ी दूड़ी बंद हो जाती है।
वो शुरुआत की और 700-800 बंदे का लंगर शुरू करके 12,000-13,000 बंदे तक लैके गए और फगवाड़े के 40,000-50,000 मतलब लोगों लंगर मिलता सगा उन्हों की बदौलत गुरुद्वारा साहबान शुरू किया मंदिर साहबान शुरू और जी छोटी सोसायटियां सगिया उन्होंने मेरे वार्ड 15 नंबर में भी साढ़े गुरुद्वारा साहब खेड़ा मस्जिद का उन्होंने भी सानू एक महीना 500 बंदे का लंगर पका के देंदे सीगे असी जिहड़ी जिहड़ी महल्लिया जरूरत हुंदी सी उत्थे उह MLA साहब की मौजूदगी विच पहुँचवाते सीगे। उस तो बाद करोना दे विच नीले कार्ड की बहुत समस्या सी घट हो गए साढ़े उन्होंने पूरे मतलब 28,000-29,000 किटा जिस राशन किटा सीगियां जिस दाल आटा सारा हरेक घर का समान वो 28,000-30,000 के दितियां मेरे वार्ड के मैं खुशकिस्मत हाँ उन्होंने मैं 3 बारी किटा दित्तियां एक बार 110 एक बार 150 एक बार 100 मतलब 360-370 के करीब सानू उन्होंने किटा दी जिन्हों के नीले कार्ड कट हो चुके क्योंकि उन्होंने ही ज़्यादा लोड़ सी जेडे नीले कार्ड आ वो बनते हैं लोगों के सहूलत लिए फिर असी फटाफट उन्होंने साडे कार्ड बनाए 450 कार्ड असी तुरंत बनवाया MLA साहब के आदेश से उस तो बाद सारियां असी राशन किटा नहीं तो जिहड़ा नीले कार्ड का राशन है जी वो साल च 2 बारी मिलता पर MLA साहब ने सरदार बलविंदर सिंह धारीवाल जी क्योंकि लोगों के मसीहा वा उन्होंने हर महीने कणक दवाई भी लोग कणक घर पई होगी बंदा नमक पा के रोटी पका के खा सकता जे बहुत त्रासदी आई वे मिठा पा के रोटी खा सकता या अचार ना खा सकता जो आप पुरानी गल्ल वो सारा सोच के उन्होंने 6-7 बारी लगातार मतलब फगवाड़े दे विच हल्के विच सेवा की थी। और पूरी फैमिली उन्होंने असी उन्होंने ऋणी हाँ क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने करके दिखाया ना वो मेरी 22-23 साल की लाइफ में पोलिटिकल लाइफ च कदी नहीं होया पहले लीडर आए वो वधिया कीता उन्होंने काम पर करोना दे विच जिहड़ा वर्क करन दा उन्होंने नाल सानू मौका मिलिया वो असी उन्होंने सारा उम्र ऋणी हाँ क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया और कैप्टन साहब ने बहुत उन्होंने श्रेय किया भी तुसी बहुत वधिया धारीवाल साहब काम किया क्योंकि उन्होंने हीरा तरास के भेजा सीगा तो हीरे ने अपनी चमक तो दिखानी सी वह पूरी चमक दिखाती पूरे फगवाड़े के लोगों को चमक दिखा के दिता। वालिया जी ये एक मील पत्थर साबित हो रहा और असी वार्ड की गल कर लिए घर घर के जोड़े लोग है वो इस गल के पॉजिटिविटी उन्होंने कि वालिया जी ने आप दिन रात की परवाह किए बिना करोना की परवाह किए बिना इन्ने इन्ने माड़े हालातों के भी वह कहते वालिया लोगों के घर घर जाता सगा और मिसिज जी ईजीली अप्रोचेबल हैगी घर बैठे जो मर्जी कोई उन्होंने कम कह आता तो जो कहें तुम भी नाल दाल रिएक्शन देंगे और धालीवाल साहब थोड़ा रिएक्शन देंगे और धालीवाल साहब का कैप्टन दिता मतलब समझिए भी जोड़ा ये वार्ड हैगा वो वार्ड सारा ही जोड़ा है जिम्मे कैप्टन सीधा जोड़ा है लिंक हो बिल्कुल देखो मेरी मिसिज परमजीत कौर वालिया जी वो घर ही रेंदे आ तकरीबन उन्होंने लोग सारे लोग जिदा करोना से जो तो पहला से नीले कार्डा किया सारे लोग घर आन के सू फार्म देंगे हूँ असी 2-3 महीने तो दफ्तर खोलता इतने लड़की बिठाई आ नाल हरेक चीज़ जो कोई वार्ड के बंद समस्या आती है मतलब मैं नहीं मिले तो वह फार्म भी भरती है जे किसी का बुढ़ापा पेंशन का वह भरना तुरंत भरना विधवा पेंशन का तुरंत भरना मेडिकल कार्ड असी बनाए अपने बार दे सर्वत सेहत बीमा योजना लास्ट ईयर कैप्टन साहब ने शुरू की सी अगस्त महीने तो असी अपने बार दे 1100 के करीब मेडिकल कार्ड बनाए क्योंकि मेडिकल कार्ड एक बंदे 5 लाख का उन्होंने फायदा होंगे जो उन्होंने कोई प्रॉब्लम आती है 5 लाख तक उन्होंने कोई भी पैसा खर्चन की लड़ नहीं पैंती तो वह बहुत क्योंकि देखो अज की डेट में स्वस्थ शिक्षा और रोज़गार ये तीन चीज़ों की जरूरत है हरेक बंदे तो मेरा एको आदेश आ भी मैं तिने चीज़ा अपने बार के बंद कभी प्रॉब्लम ना आव उन्होंने तत्पर होकर हल करा यू सीध मिली आ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो साढ़े हरमन प्यारे MLA सरदार बलविंदर सिंह धारीवाल जी तो क्योंकि वह काम करते तो साडा अपने आप हों हौसला बढ़ता भी साडा MLA साहब साढ़े इन्ना काम करते तो असी क्यों ना कर सकी असी उस मद्देनज़र ही करते हैं क्योंकि जे असी किसी समस्या नहीं हल कर सकते फिर असी राजनीति आने का कोई फायदा नहीं इलेक्शन लड़न का कोई फायदा नहीं। गुरजीत जी जिस तरीके दे नाल अनेरी जिहड़ी हैगी आ चली हैगी आ विकास की कैप्टन साहब की अनेरी चली भी आ सारे पासे और इस वार्ड च तां खास करके जिहड़ा इस वार्ड दे विच दरम्याने लोग भी रहिंदे ने और उस तो नीचे वाले भी रहिंदे ने पर तुसीं हरेक बंदे दे नाल अटैचमेंट आ तुहाडी हरेक दा तुसीं मान सत्कार करदे हो
की कहना चाहोगे कि उस तो बाद भी जो फोन जिम्मे हम गुरजीत वालिया जी के खुले ने, मतलब जो भैन जी होरों सेवा यह मिल जूगी वो फोन भी खुले रहने और लोगों जिस तरीके आपकी जेब चो पैसे खर्च करके और इस महल के जोड़े फैसले है कोशिश थोड़ी यही होंगी है कि वह घर बह के हो जाए वो सूँ कित जाना भी ना पवे। की कहना चाहोगे? देखो मेरे तो मैं तो शुरू तो ही लोगों के लिए लोगों दोस्त मेरे क्योंकि मेरी फैमिली है मेरे भरा भैन मेरे मातावान मेरिया भाभियां मेरिया भैन बजुर्ग मेरे मैं तो सा उन्होंने आशीर्वाद में ही सारा एडा वड्डा होया तो जे उन्होंने कोई काम में पैंता तो मैं तो मैंने बड़ी खुशी होंगी है कि मैं उन्होंने वर्क काम करा उन्होंने काम करा है ना क्योंकि मेरा फर्ज बनता वा भी उन्होंने मैं जिते तक अज एडा उच्चा बनाया तो मैं उन्होंने ही काम लिया काम करके उन्होंने काम सारे प्रोपर बेना करा क्योंकि साढ़े जी असी पोलिटिक्स करते हैं वो यही होंगे भी आप एक दूजे का काम कर सकी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जे समस्या आ गई तो फिर साढ़े होने का की फायदा वार्ड में असी पहला तंबाकू गुट्टा महला साढ़े चा उ समी दूजी पा जो बिजली का सगा ट्रांसफार्मर वो प्रॉब्लम सगी वह मतलब मैं एक पाँच छः बारी रात लगातार रात में 11:10-11 बजे जाना पाया और सही कराया फिर खराब हो जाता सी 10-15 दिन फिर मैं MLA साहब को कहा भी सर ये तो हूँ भेजो इन्होंने अफसर एक्सचेंज साहब या SDO साहब या कोई भी जी ड्यूटी लाओ भी ये तुरंत काम होना चाहिए तो उन्होंने भी उसको आदेश किया मैं उत्थे बैठ गया महल्ले तो वो उन्होंने चैक किया भी वो कंडम हो चुका सीगा SDO साहब आए सी दूजे JE साहब आए पर उन्होंने नाल ही कहें भी असं मैं सब्सटीट्यूट लाओ नाल उन्होंने उस टाइम ही सब्सटीट्यूट नाल जोड़ता तो करोना करके थोड़ा जहा ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सी तो उन्होंने 2-3 महीने लगे पर पिछले महीने असी वह नवा उत्ते नवा लाता तो दोनों ही रिमूव करके वापस गए हूँ उन्होंने 10-15 साल मेरे वार्ड के जोड़े उत्थे रेंदे परिवार मेरे उन्होंने कोई समस्या नहीं आनी क्योंकि हूँ निश्चिंत हो गए वह रहने के जितने भी जो भी उन्होंने फिर उत्थे सड़कां सीगियां असी सारियां बनाइयां हुण भी असी सड़कां दे पिछे 15 लाख रुपया सानूं दित्ता साहब ने PWD तो वह सारा काम करवा चुके असी हुण 18 लाख का एक काम होर आया साढ़े 18 लाख रुपये सड़कों का नालियां का बनने लई वह भी असी परसों शुरुआत की आ ते महल्ले विच सारिआं नूं भी वह भी असी शुरू कर रहे हैं जल्द शुरू कर रहे हैं क्योंकि जिहड़ा इह वार्ड आ मेरा परिवार आ मैं उन्हां दा पुत वां वह उन्हां दी नूंह आ तो इन का फर्ज बनते एक बार सूँ मौका दो 5 साल 5 साल आप लोड़ नहीं पेगी तो किसी कह की जोड़ा तुम काम कहोगे तो पहल के आधार पर असं पूरा करके तत्पर रहेंगे भी असं थोड़ी तो सेवा में हाजिर हाँ वाली जी अगर आप नारी वीर की गल करिए मानते हैं भी ये वालीए की लड़ाई नहीं साड़ी आपकी लड़ाई है और बहर बैठे उन्होंने हलू नहीं आई जाती भी किमें असं जाइए क्योंकि लॉकडाउन उत्थे लग चुक्या वा और फिर भी जोड़ा है उन्होंने मन च वलवले उठते हैं बार बार फोन करते हैं तो वीडियो कॉलां होंगे लोगों अपने महल दियां कहते हैं किमें प्यार खटिया इतने तो तुम बैठे खट ही रहे हो बाहर का प्यार इन्ना किमें देखो मैं हूँ भी तुहाडे सामने आई इंग्लैंड तो फोन आया वो उतावले आ भी असी फटाफट इलैक्शन शुरू हो गए तो असं क्योंकि इंग्लैंड लॉकडाउन लगन करके मेरे काफ़ी फैमिली मैंबर जोड़े आ दोस्त आ मेरे वो आनो बांझे रह गए तो परमात्मा करे भी उत्थे लॉकडाउन सारी तंदुरुस्त हो जाए तो लॉकडाउन ओपन होए तो वो साढ़े को आन तो क्योंकि NRI वीर का बहुत बड़ा सहयोग होंगे क्योंकि उन्होंने रिलेशन च लोग काफ़ी होंगे आ और प्लस उन्होंने आने हों भी ये लोग असी लोग किदा काम करते हैं वो साड़ी हौसला बजाई करते हूँ कैनेडा तो मेरे 2-3 फ्रेंड आए हुए आ फैमलियाँ आई उन्होंने भी साड़ी जी चोन कंपेन पूरा हिस्सा लेना वा क्योंकि ये कल्ले कल्ले घर जाके सानू बेनती करनी पैंदी आ और प्लस कल्ले कल्ले घर जाके असी उन्होंने राबता करना हुंदा वा इस करके जिन्हें भी साढ़े दोस्त NRI उन्हों का बहुत बड़ा सहयोग है असं चाहते हैं भी वो जो आएंगे असं उन्हों दी पूरी सेवावां लवांगे आशीर्वाद उन्हों का सारे उत्थों बैठे सानू दिंदे आ ते असीं उन्हां नाल हमेशा तत्पर खड़े हैं। वाले साहब जिहड़ी ये लड़ाई हैगी आ जिहड़ा ये लड़ाई नहीं असीं कह सकते क्योंकि तुसीं हमेशा हरमन प्यारे रहो तुसीं कदे पार्टीबाजी दा नहीं देखिया तुसीं इंसानियत दे तौर दे उत्ते एक जाने पहचाने और प्यार वाले चेहरे हो कोई भी पार्टी का बंदा किसी भी तरह का कोई लोड़वंद तुहाडे कोल आया तुसीं उहनूं मोड़िया नहीं गया कदे नहीं सोचा भी किवें किस पार्टी नूं बिलोंग करदा तुसीं इंसानियत दे लवर हो कि ये लव जिहड़ा हैगा उन्ना ही रहूगा मतलब जिस तरीके नाल पहलां करदे रहे हो प्यार जिहड़ा उन्ने उदू भी वधूगा। नहीं नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल क्योंकि तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त आ मैं
ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਔਫਿਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਐਂਡ ਗੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ MLA ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੇੜੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ UR ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਗਵਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਵੀ। ਬਾਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰਿਚੀਕਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 'ਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਔਰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਓਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ MC ਬਣ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇਖੋ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ
विकास होर होगा सारा। भैन जी जो भी कोई फंक्शन हुंदा ते कोई भी विकास के कार्य शुरू होंदे आ MLA साहब आउंदे आ तुहानू किन्नी खुशी हुंदी आ जो सारे लोग जिहड़े हैगे आ तुहानू केंद्रित कर लैंदे हैगे आ वी नहीं इह वालिया जी दे मिसिज हैगे आ वालिया जी ने सेवा कीती आ किन्ना खुशी हुंदी आ की कहना चाहोगे? अच्छा लगदा है जदों मतलब हुण आए सी उद्घाटन भी कीता है ते सारे आए सी महल्ले वाले भी सारे आए आ ते सारे ने बहुत मतलब सपोर्ट भी करते हैं और जो तो मिल रहे थे तो भी मतलब खुशी का जो तो गल कर रहे भी वालिया जी ने आ करके दिता वालिया जी ने आ करके दिता तो हौसला जहाँ होंगे फिर वादा सी हौसला। हाँ जी भैन जी कि मतलब जो डिवेलपमेंट की जी सारे मोहल्ले की डिवेलपमेंट हुई है वो बारे जो लेडीज मिलती है की कहें तो कहना चाहोगे? कहती है वालिया साहब ने बहुत अच्छा काम किया मतलब बहुत सवेरे भी एक लेडीज आई सी वह भी घर आके बड़ी तारीफ करके गई है तो वह साढ़े वार्ड की भी नहीं सी पर कह के गई है भी साडा वार्ड भी वालिया जी ले लैन ते भी इन्होंने बड़े विकास कराया है उन्होंने कार्ड बना के दिता सी ते उन्होंने बड़ी तारीफ की है भी है। और जेडे कार्ड क्योंकि सरकार ने पैसे देने हैं और तुसी सर मीडिया बनना जेड़ा जेड़े कार्ड जिवें बने ने जिस तरीके दे नाल ए आपदे दिमाग दे बोझ पाउंदे ने हुण तुसी एक लड़की भी इत्थे अपॉइंट की हुई है जी सुबह आके बैठ जाती है और तुहानू पुछदी आ वालिया जी नू पुछदी आ भी आह काम इदां करना तुसी उन्हूं गाइड करदे रहिंदे हो मतलब ये सेवावां वी चली जाणगियां? हाँ जी ये अद्धे ही चली जाऊगी। भैन जी की कहना चाहोगे साडे देखण वाले सारियां भैणां नूं इस वार्ड दियां नूं फगवाड़ा शहर वासियां नूं और सारा पंजाब जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहा की कहना चाहोगे? मतलब असीं जिहड़ा ये ऑफिस बनाया इस करके ही बनाया है भी सारे अपनियां समस्यावां आके इत्थे दसन मतलब इत्थे हल करूंगे सारा उन्हां दी समस्यावां दा और क्योंकि क्योंकि सरकार तुहाडी आ और MLA तुहाडा ये मन्नीए भी ये जिहड़ी तुहाडी चीज़ सीधी फरियाद जिहड़ी हैगी कैप्टन साहब कोल जांदी है। हाँ जी और यही कारण है कि काम जो वाली जी तो रुकता नहीं है। हाँ जी थैंक यू भैया जी।